हे गाइस, आई एम आशा सैनी, आई एम ए लेक्चरर इन कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आइए हम जानते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता क्या है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे उनके ज्ञान के आधार पर, उनके अध्यात्म के आधार पर, वेदों के आधार पर, तथा जो मतलब पेड़ पौधों से मिलने वाली औषधि होती थी। ठीक है, अगर उस औषधि का उपयोग किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में या बीमारी का इलाज करने में यूज़ किया जाता था, ठीक है, तो उसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे जितने भी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन पर बेस्ड है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ TCM। TCM मीन्स ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो मतलब हमारे भारत में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले जितनी भी औषधीय प्रणाली है, ठीक है, वो चार है। फर्स्ट है हमारी आयुर्वेदा सिस्टम, सेकंड है हमारा यूनानी सिस्टम, थर्ड है हमारा सिद्धा सिस्टम और फोर्थ है होम्योपैथी सिस्टम। यहाँ से आपको साथ के साथ नोट्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है आयुर्वेदा सिस्टम। ठीक है, ये जो हमारा आयुर्वेदा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है ऋषि मुनियों के ज्ञान के आधार पर और जो हमारा वेद है उसके आधार पर। तो अब तो मतलब पहले बीच में ये जो हमारा आयुर्वेदा सिस्टम था ये बंद हो गया था, बट अब फिर इसकी डिमांड और ज़्यादा हो गई है अब, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे हमारी एलोपैथी सिस्टम है, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन किसी की मेडिसिन, यदि किसी का इलाज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, तो उसमें बेसिकली हमारा आयुर्वेदा सिस्टम और होम्योपैथी सिस्टम ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हमारा जो आयुर्वेदा सिस्टम है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है हमारा आयुर् और सेकंड है वेदा। आयुर मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ साइंस, हिंदी में कहिए आप जीवन का ज्ञान। तो ये जो हमारा आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, यह बेसिकली वह साइंस है, जैसे मैंने आपको भी बता रहा है, पूरी की पूरी धर्म और अध्यात्म पर आधारित है। ठीक है, इसके साथ साथ यह शरीर के स्वास्थ्य में अनेक तरह के जो रोग होते हैं, जो उनके इलाज करने में भी आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेदा सिस्टम है, जिसका प्रिंसिपल है, वो किस पर बेस्ड है, ये सिर्फ हमारा दो चीज़ों पर बेस्ड है। ठीक है, एक हो गया हमारा पंच महाभूतासन। ठीक है, पंच महाभूतासन क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में फाइव बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो इसका प्रिंसिपल है वो बेस्ड है हमारा पंच महाभूतासन और ट्राइडोसा। ठीक है, पंच महाभूतासन क्या है, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले फाइव बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, फाइव बेसिक एलिमेंट्स क्या है, हमारे आकाश जिसको बोलते हैं ईथर हिंदी में, और सेकंड है हमारा वायु जिसको बोलते हैं हम एयर, और थर्ड है हमारा अग्नि जिसको बोलते हैं हम फायर, और फोर्थ है हमारा जला जिसको बोलते हैं वाटर, और पृथ्वी अर्थ। ठीक है, ये जो पांच तत्व हैं इनसे ही हमारा जो शरीर है वो मिलकर बना हुआ है। और जैसे ये हमारे जितने भी ये फाइव बेसिक एलिमेंट्स है, यदि ये हमारे शरीर में इम्बैलेंस होंगे, मतलब इनका असंतुलन होगा, तो क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होगी, डिजीज उत्पन्न होगी। ठीक है, उन बीमारियों को क्या कहा जाता है, ट्राइडोसा। ठीक है, ट्राइडोसा भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी इन पांच तत्वों का योग मींस जो भी इनका बैलेंस होता है, वो हमारे मनुष्य शरीर को एक हेल्थी लाइफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यदि ये असंतुलन हो जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होगी। ठीक है, उन बीमारियों को आयुर्वेदा सिस्टम में ट्राइडोसा बोला जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं मानव शरीर में यह फाइव एलिमेंट्स क्या क्या संकेत देते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा आकाश। ठीक है, यह है हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है, यह शरीर के भीतर जो भी हमारे रिक्त स्थान है, ठीक है, उनको दर्शाता है। ठीक है, जैसे हमारा माउथ हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमिन, लंग्स कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, इनमें क्या स्थित है, हमारा आकाश।
सेकंड है हमारा वायु, वायु मीन्स एयर, एयर जिससे आप समझ गए हो गए यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, जो भी हमारी मसल्स है, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, वाइब्रेशन होती है और जो भी ओसिलेशन, ठीक है, और ये एग्जांपल दिया हुआ है इसका, जैसे हमारा हार्ट है वो कंटिन्यू धड़कता है, ठीक है, मसल्स कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और थर्ड है हमारा फायर, फायर जिसको बोलते हैं अग्नि, ठीक है, यह है मनुष्य शरीर में, जैसे डाइजेशन हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, रीजंस, इंटेलिजेंस और जो एंजाइम के फंक्शन होता है, ठीक है, उनको डिनोट करता है, मीन्स उनको दर्शाता है। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया हमारा वाटर, वाटर जैसे जला, ठीक है, यह है जल, यह है हमारे शरीर में जो भी हमारी बॉडी फ्लूड्स है, ठीक है, जैसे प्लाज्मा हो गया, सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, इनको डिनोट करते हैं। फिफ्थ है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी क्या है हमारी, यह है बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको दर्शाते हैं। एग्जांपल हो गया इसका बोन्स, ठीक है, मतलब अर्थ, अर्थ का समझिए बिल्कुल एक ठोस है, एकदम से दृढ़, ठीक है, जो भी हमारे शरीर के ठोस पार्ट्स है, जैसे हमारी बोन्स हो गई, बोन्स, टीथ, हेयर, ठीक है, यह इनको दर्शाती है। तो आयुर्वेदा में क्या निष्कर्ष निकाला गया है कि जो आयुर्वेदा सिस्टम्स है हमारा, ये जो हमारे पांच तत्व है, इन्हीं के आधार पर डायग्नोसिस होते हैं और इन्हीं के आधार पर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और जो ये हमारे पांच तत्व है इनको बोला जाता है पंच महाभूतास, ठीक है, और जो जैसे ये हमारे तत्व है, फाइव बेसिक एलिमेंट्स है, यदि ये हमारे इम्बेलेंस हो गए तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी हमारी, ट्राइडोसा, ठीक है, यह इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह माना जाता है कि शरीर में पाए जाने वाले पांच तत्व, यानी कि जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले पांच तत्व हैं, उनके असंतुलन होने से जो भी बीमारी उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं, ट्राइडोसा, ठीक है। वो ट्राइडोसा कौन कौन सी है, हमारी वात, पित्त, कफ, ठीक है, ये जो तीन दोष है ये हमारे किससे उत्पन्न होते हैं, जो हमारे फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके असंतुलन होने से। फर्स्ट है हमारा वाता, ठीक है, वाता क्या है हमारा, यदि हमारे शरीर का एलिमेंट्स जो इथर है, ठीक है, और वायु, ठीक है, इनमें ईथर और वायु एलिमेंट्स में, ठीक है, यदि कोई दोष उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वाता। और कफ, कफ क्या होता है हमारा, यदि हमारी जो अर्थ, अर्थ मीन्स, और जो हमारा वाटर एलिमेंट्स है, ठीक है, उनमें कोई दोष उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कफा। और थर्ड है हमारा पीथर, ठीक है, यदि शरीर में फायर, फायर मीन्स अग्नि और वाटर, इनमें कोई दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पित्त, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं फैक्टर्स मीन्स, मतलब ये जो ट्राइडोसा है इसका मतलब, इसका ट्राइडोसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, ठीक है, जो हमारे पांच तत्व है ये असंतुलन क्यों होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया इसमें हमारा फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम मीन्स किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। और मेंटल प्रॉब्लम, वो ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण उसे मेंटल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उस वो इन्वायरमेंट में कैसे रहता है और वो, ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम से क्या होता है, जो हमारे फाइव बेसिक एलिमेंट्स है वो इम्बैलेंस होंगे, उनके इम्बैलेंस होने से ट्राइडोसा उत्पन्न हो। तो हमारे आयुर्वेदा सिस्टम में जो डायग्नोसिस होती है मीन्स रोगों की जांच, तो रोगों की जांच कैसे होती है, ठीक है, जैसे हमारे एलोपैथ सिस्टम में डॉक्टर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पल्स देखकर रोग की जांच करते हैं। तो इसमें क्या होता था, आयुर्वेदा सिस्टम में जो वैद्य, हमारे वैद्य होते थे, वो नाड़ी, जो नाड़ी, नाड़ी मीन्स नर्व्स, नर्व्स होती थी, ठीक है, वो नर्व्स को पकड़कर बता देते थे कि रोगी को कौन सा दोष है, ठीक है। और नाड़ी के साथ साथ जो वैद्य होते थे वो जीभ, त्वचा, मतलब हमारी स्किन का रंग देखकर, हमारा व्यवहार देखकर, यूरिन आदि को देखकर वह बता सकते थे कि हमारे शरीर में कौन सा दोष उत्पन्न है, ठीक है। और जो हमारा वीक डाइजेस्टिव पावर होती है, ठीक है, वह भी इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अब हम
देख लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट्स। ठीक है, ट्रीटमेंट्स इसका कैसा होता है। जैसे हमारा एलोपैथ सिस्टम है, एलोपैथ सिस्टम में हम जब किसी को ड्रग देते हैं, ठीक है, ड्रग देते टाइम हम क्या देखते हैं, ड्रग की पोटेंसी देखते हैं, उसकी एफिकेसी देखते हैं, उसकी डोज देखते हैं, कितना देना कितना नहीं देना, उसके बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। तो आयुर्वेद सिस्टम में हम तीन तरह से देखते हैं, ठीक है, रसा, वीरिया, वीपी का। रसा में उसका हम टेस्ट देखते हैं, उसकी मतलब जो भी हमारी औषधि है उसका टेस्ट कैसा है। वीरिया पोटेंसी, पोटेंसी में शक्ति, पावरफुल, वो कितनी पावरफुल है हमारी। और जो वीपी का होती है, ठीक है, उसमें हम टेस्ट और डाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो गाइस हम जो भी हमारे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे होम्योपैथी सिस्टम। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।